सहारनपुर में शुरुआती दौर में भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत रखा। ये आपका बल है जिसने देश और दुनिया में मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता की भी एक बहुत बड़ी पहचान बना दी, क्योंकि अभी हम लोग उस मंजिल तक नहीं पहुंचे जिस मंजिल पे पहुंचने के बाद बदलाव होगा। मेरी एक आवाज पे सीना तान के हर लड़ाई को लड़ा। जय भीम। तो अलग बात है कि मेरे हिस्से में गोली भी देवबंद में ही आई। जिन्होंने इस भीम आर्मी को तैयार किया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने जेलें काटी, अगर सबसे ज्यादा जुल्म किसने सहा है तो वो जिला सहारनपुर के लोग हैं। आज की आपकी आवाज जो सहारनपुर से निकलकर और संसद में गई है, इसका अगर बहुत बड़ा श्रेय जाता है तो यहां के हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों को जाता। मैं आपका संघर्ष और त्याग नहीं भूला हूं। आपने मेरी एक आवाज पर मेरी हर बात को मजबूत करने का काम किया और जब जब कहीं जुल्म हुआ, देश का कोई कोना हो, आपने सहारनपुर में शुरुआती दौर में भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत रखा। ये आपका बल है जिसने देश और दुनिया में मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता की भी एक बहुत बड़ी पहचान बना दी। ये अलग बात है कि आज समय की कमी हो गई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि अभी हम लोग उस मंजिल तक नहीं पहुंचे जिस मंजिल पे पहुंचने के बाद बदलाव होगा। अभी तो बदलाव की शुरुआत की पहली कड़ी लगी है। आज मैं इस पूरे जो एक हुजूम दिख रहा है इसमें बहुत सारे पुराने चेहरों को देख रहा हूं। चाहे वो बेहट विधानसभा वाले हो, चाहे वो रामपुर विधानसभा वाले हो, चाहे वो नकुड़ विधानसभा वाले हो और चाहे ये बीच में देहात वाले हो और चाहे हमारे शहर के जिम्मेदार साथी, देवबंद के लोगों ने तो हमेशा से मेरी एक आवाज पे सीना तान के हर लड़ाई को लड़ा। जय भीम। तो अलग बात है कि मेरे हिस्से में गोली भी देवबंद में ही आई। लेकिन सोचो अगर हम जैसे लोग डर जाएंगे, अपनी जान की परवाह करेंगे तो हमारे लोगों के जिंदगी में बदलाव कैसे होगा? क्या आज हम उस सुख सुविधा को प्राप्त कर पाए हैं जिसके हकदार हैं इस देश में? क्या सही मायने में गांव तक रोटी कपड़ा मकान रोजगार पहुंच रहा है क्या? क्या इज्जत की जिंदगी देश भर में कमजोर वर्गों के लोगों को मिल रही है क्या? क्या बहन बेटियों पे जो जुल्म हो रहा था वो बंद हो गया क्या?